मैं विकास अपने लेफ्ट ईयर में लास्ट 3 मंथ से टिनिटस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, माँ के गर्भ में 9 महीने जब हम होते हैं, तो सबसे पहले गर्भ में जो सेंसेस ऑर्गन हम फील करते हैं या फिर या कह सकते हैं जो सबसे पहले सेंसेस ऑर्गन हम अडॉप्ट करते हैं वो होता है हियरिंग, हमारा कान। कान, जी हाँ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, टिनिटस एक बहुत आम समस्या होते जा रही है। टिनिटस यानी कि ऐसी बीमारी जहां पे कि हमारे कानों के अंदर लगातार कुछ आवाजें आते रहती है, जैसे कि बेल की जैसे एक मतलब इरिटेटिंग साउंड होता है टिनिटस, कानों में घंटी बजना या और झुंगर जैसी आवाज। तो ये आवाज जो है ये जब आती है तो क्या होता है कि जब आप सोने जाते हो तब और भी बढ़ जाती है, रात को और भी बढ़ती है और लगातार वो आवाज परेशान करती है और फिर हम अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते और बॉडी के अंदर बहुत सारी इरिटेशन होती है। क्यों होता है ये, आखिर क्या है टिनिटस? टिनिटस में मेडिकल साइंस में भी कोई भी परमानेंट इलाज नहीं हो पाया है। दवाइयां चल रही हैं बट इट इज नॉट गोइंग टू क्योर परमानेंटली। बहुत जनों ने इसका मेडिसिन लिया, डॉक्टर से कंसल्ट किया बट इट इज नॉट गोइंग। वॉट इज द मेन रीजन? द मेन रीजन इज द स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस जब आप बहुत लेते हो एक सबसे बड़ा रीजन है। और ये जो स्ट्रेस है फिर हमारे बॉडी के जो स्पेस एलिमेंट भी है यानी कि आकाश तत्व, जब आकाश तत्व आपका इम्बैलेंस होता है, इम्प्योर होता है, या फिर वो कहते हैं ना कि आकाश तत्व जब आपका विषाक्त हो जाता है, इम्प्यूरिटीज जब बढ़ जाती है स्पेस एलिमेंट में जो हमारे शरीर का 5वां तत्व है, जब उसमें इम्प्यूरिटीज बढ़ती है तब क्या होता है, ये सीधे हमारे ईयर, नोज, थ्रोट, इन्हें ये इम्बैलेंस करते हुए यहाँ पे कोई भी ना कोई तकलीफ या प्रॉब्लम्स को जरूर करता है और उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है टिनिटस। टिनिटस एक आम समस्या होते जा रही है। दोस्तों, इसे आप हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। जिन्हें भी टिनिटस की प्रॉब्लम है दे कैन हील इट थ्रू 7 चक्र मेडिटेशन, सप्त ध्यान। जी हाँ, सप्त ध्यान में विशुद्धि चक्र जो है, विशुद्धि चक्र यानी ये चक्र हमारा गले के पास होता है और ये चक्र जो होता है ये हमारे स्पेस एलिमेंट को, आकाश तत्व को बैलेंस करता है और उसे हील करते हुए टिनिटस यानी कि कानों से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें रहती हैं उसे हील करता है, बैलेंस करता है और टिनिटस की समस्या खत्म होती है। बहुत लोगों को ये बीमारी थी टिनिटस का और कुछ लोगों ने जैसे कि हमारा ये 7 चक्र सप्त ध्यान कोर्स अभी ये 26 अगस्त 26 तारीख से फ्राइडे से ऑनलाइन जूम शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, लोगों ने इसे अटेंड किया और इस टिनिटस की बीमारी से उन्होंने निजात पाया, बहुत लोग हैं। आइए एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। एक सज्जन थे जिन्होंने टिनिटस की तकलीफ थी और उन्होंने कॉल किया, मैंने उन्हें एडवाइस किया आप ये कोर्स करो और कोर्स करते हुए ही इन्हें टिनिटस की बीमारी या तकलीफ से फायदा मिला। सुनते हैं उनकी अनुभव के बारे में। सबसे पहले सभी को नमः शिवाय। मैं विकास अपने लेफ्ट ईयर में लास्ट 3 मंथ से टिनिटस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। मैंने 2-3 ENT को दिखाया, बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खाई लेकिन उनसे मुझे ज़रा सा भी रिलीफ नहीं मिला और मेरी प्रॉब्लम एजिटिस रही। और जैसे ही मुझे सतीश सर के 7 चक्र मेडिटेशन का पता चला, मैंने उसको रिसेंटली ज्वाइन किया और डे बाय डे मैं मेडिटेशन करता चला गया और मुझे क्या है कि फर्स्ट डे से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया था और जैसे मैंने 7 डे अपने कंप्लीट किए थे मुझे इतना रिलीफ मिल गया था तो जितना मुझे एलोपैथिक मेडिसिन से भी नहीं मिला था। मैं सतीश सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ और इट इज़ द बेस्ट मेडिटेशन फॉर हीलिंग द बॉडी। तो आइए आप भी और हील करते अपने विशुद्धि चक्र को, थ्रोट चक्र को, और जिन्हें भी टिनिटस की समस्या है उससे बाहर उससे निजात पाते हैं। मैं हाँ और एक बात बता दूं, विशुद्धि चक्र सिर्फ टिनिटस से ही ऐसा नहीं है कि टिनिटस के लिए विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र जो है ये आपकी ऑरा को स्ट्रांग करता है, आपको पॉजिटिव बढ़ाता है, आपकी नेगेटिव इमोशंस को बॉडी से बाहर निकालता है और ईयर, नोज, थ्रोट ये जो फिजिकली डिजीज होती इससे तो हमें बाहर करता ही करता है बट मेंटली और फिजिकली इमोशनली भी स्ट्रांग करता है। ये हमारे शरीर के स्पेस एलिमेंट को भी
बहुत पावरफुल करता है. तो कम एंड ज्वाइन मी ऑन 26th ऑफ अगस्त इवनिंग टाइमिंग फ्राइडे शाम को 6:30 to 8 तक. सारी जानकारी नीचे दी हुई है, डिटेल बॉक्स यू कैन सी एंड रजिस्टर यूर सेल्फ. सी यू ऑन 26th अगस्त. थैंक यू सो मच. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय.